गणेश प्रसाद बगड़िया, अध्यक्ष श्री गोमंदिर गौशाला नंदगांव। आज हमारे गणेश जन्मोत्सव का 5वां दिवस है और हम इसे तुलसी अर्चन यज्ञ के रूप में मना रहे हैं। असल में क्या है, यज्ञ बोलने से जन साधारण के मन में वो लकड़ी, घी और अग्नि आता है, पर ये तुलसी अर्चन यज्ञ है। वो हम प्रत्येक मातृशक्ति को दो दो प्लेट दे दिए हैं और तुलसी पत्र दे दिए हैं और एक मंत्र गाता है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो वो नीचे से डंठल निकाल के तोड़ के दूसरी थाली में डाल देता है। ऐसा करके वो एक मंत्र हो गया। ऐसे 11 माला, यानी एक माला 108 बार होता है, तो 11 माला का हम मंत्र तुलसी पत्र डलवाएंगे और उसके बाद वो माताएं, बहनें, भाई बहन जो भी हिस्सा लिए वो अपने हाथों से राधा रानी के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में, कृष्ण के दरबार में वो तुलसी पत्र तुलसीदर समर्पित कर देंगे। तुलसी की भावना सब जानते हैं, सबसे पवित्र होती है और ये मंत्र के साथ ठकुरानी के पाँव में चढ़ना, राधा रानी के दरबार में चढ़ना अहो भाग्य होता है। और आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, लोग बोलते हैं राधा रानी कृष्ण से भी बड़ी होती है और ये मेरे ख्याल से राउरकेला वासियों के लिए, हमने तो पहले मनाया है लेकिन नंदगांव के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों का प्रचार प्रसार होगा तो आने वाले साल में हम और अच्छे तरीके से इसे मना पाएंगे। तुलसी अर्चन यज्ञ भी महत्व सब जानते हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं और ये बस हम नित नए नए कार्यक्रम लेके आएंगे। आपके माध्यम से प्रत्येक जनता को अनुरोध करना चाहते हैं, ये हमारा कार्यक्रम 17 सितंबर तक चलेगा, प्रतिदिन संध्या को कार्यक्रम है, आप आएँ, हमें आशीर्वाद दें, दुआ दें और नंदगांव का दर्शन करें, यही हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। देखिए, हम तो पहली बार विद्यास गौशाला में कई बार कर चुके हैं और फैक्ट्री में भी कर चुके हैं, लेकिन नंदगांव में जो ये जगह, ये वातावरण हुआ है, इसे मैं कहता हूँ कि मुझे नंदगांव की फीलिंग आ रही है। जिस प्रकार सजावट हुई है फूलों की, इसकी तो पहले जो अनुभव उसमें काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मुझे तो मुझे जो आने वाली मेरी माताएँ, बहनें, भाई बहन उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है, यह हम अनुभव कर रहे हैं।